प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। आज हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनको अपनी जान की परवाह नहीं है और वो बेफिक्र होकर अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि वो गैरकानूनी भी है और वो लापरवाही भी है उनके लिए। उनके परिवार के प्रति वो बहुत लापरवाह इंसान होंगे जो ऐसी गलतियां करते हैं। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर, जहां से हम आपको इन लोगों को दिखाएंगे और कोशिश करेंगे ऐसे लोगों से बात करने की। हम पहुंच गए प्लेटफार्म नंबर एक पर, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं लगातार लोग अपनी जान की बिना परवाह किए ओवर ब्रिज का उपयोग नहीं करते हुए ट्रैक को पार करते हुए आ रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, उनके पास टिकट नहीं है कि क्या नहीं है। शायद वो लोग घर से निकलते ही ये भूल गए कि परिवार उनका शाम को इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पापा, मेरे भैया, मेरा बेटा शाम को वापस आएंगे। लेकिन ये लापरवाह लोग, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि ये लोग किस तरह से थोड़ी सी जल्दबाजी या फिर कहे कि टिकट न खरीदना, कोई ना कोई वजह ज़रूर बना होगा। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन शायद ही ये लोग बात कर पाएँ। और हम आपको बता दें कि यहाँ की व्यवस्था जो GRP और RPF के हाथ में होती है, वो लोग भी आंखें बंद करके एकदम बैठे हुए हैं। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी कोई भी दुर्घटना घटे उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना इनको कोई रोकने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। ये लोग ज़्यादातर इसमें रोज़ वाले हैं जो डेली आते हैं और डेली इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। जल्दबाजी में ज़्यादातर इसमें सर्विस वाले होते हैं और जल्दबाजी में ऐसे रास्तों का ये लोग प्रयोग करते हैं। हम आपको बता दें कि इनसे लापरवाह कोई साथ दुनिया में न हो जो अपने परिवार के प्रति लापरवाही दिखा रहे हैं और इस तरह से जो ट्रैक डाकते हुए आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये इस तरह से इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। और इन लोगों को क्या समझाएं, ज़्यादातर शिक्षित लोग ही हैं और जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे किस तरह से ये लोग लापरवाही करते हुए आ रहे हैं। ये सरासर ये गैरकानूनी है, ये अपराध है। इसके पीछे भी कानून बने हैं मगर GRP और RPF इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ना जाने क्यों। फिलहाल इतना ही, बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं लखनऊ से अजय सिंह। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।